सिर्फ और सिर्फ आज हम बात करेंगे जितने भी डीजल गाड़ी का हम लोग पिस्टन के अंदर रिंग्स को डालते हैं, आखिर रिंग्स का कट मार्क कहाँ पे होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात, सबसे प्रॉब्लम यही हो जाती है कि हम पिस्टन का कट मार्क रखे कहाँ, ऑयल रिंग, टॉप रिंग, कंप्रेसर रिंग, आखिर कहाँ रखे। तो हम इस फॉल्ट को एकदम क्लियर ही कर देने वाला हूँ कि वो दुनिया का कोई भी गाड़ी रहने दीजिए डीजल वर्जन, तो सबसे पहले देखेंगे ये पिस्टन। अब ये हो जाता है छोटू, पास में लेके आ जाओ। ये हो गया पिस्टन, देखिए ये पिस्टन ऊपर से ही दिखाओ, परवाह नहीं, ऊपर आ बस। ये पिस्टन हो गया, ये जो एरो मार्क दिख रहा है, दिख रहा है ना एरो मार्क, ये टाइमिंग, ये समझ लीजिए टाइमिंग के साइड। और जो ये इसका बैक दिख रहा है, ये गियर बॉक्स, तो हम लोग इतना समझ गए कि ये टाइमिंग है, ये गियर बॉक्स साइड है। तो इसका जो टॉप रिंग है, ये वाला जो टॉप रिंग है, अब इसका हमें ये कट मार्क रखना कहाँ है। तो सबसे पहले हम समझ जाएंगे कि जो इधर स्प्रे जेट दिया हुआ है, ठीक है, स्प्रे जेट नीचे है, उससे हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे दो तीन चीज बन के आता है। एक समझिए, इंजेक्टर ऊपर से है, ठीक है, तो कुछ भी टेंशन नहीं, आप इधर कट मार्क रख सकते हैं, इधर कट मार्क रख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हमारा इंजेक्टर इस साइड से है या इस साइड से है, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब ऐसा है तो ये जो टॉप रिंग का हमें ये कट मार्क दिख रहा है, वो इधर से इंजेक्टर है, तो इधर नहीं रखना है, ठीक, ये इंजेक्टर के अपोजिट इस साइड लेके आना है मुझे, समझ गए, ये आ गया। लेकिन जो ये गाड़ी का जो मैं पिस्टन उठाया हूँ, ये स्विफ्ट डिजायर का है, तो इसका जो इंजेक्टर है वो सेंटर में ऐसे है, तो हमें इस साइड भी रख सकता हूँ, इस साइड भी रख सकता हूँ, तो हम समझिए इस साइड ही रखता हूँ, ठीक है, इस साइड रख दिया। अब बारी आ जाएगा सेंटर रिंग का। अब सेंटर रिंग भाई रखे कहाँ, तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट का हम टॉप रिंग रखे किस साइड। पेट्रोल गाड़ी के लिए अलग बोलिएगा तो एक अलग वीडियो बना दूंगा, डीजल गाड़ियों के लिए, ठीक है। तो टॉप रिंग हमारा इस साइड आ गया, इधर से इंजेक्टर है तो इधर रखेंगे, इधर इंजेक्टर है तो इधर रखेंगे, सेंटर में है तो आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, टॉप रिंग क्लियर हो गया। अब है सेंटर वाला रिंग, तो सेंटर रिंग हम कहाँ रखेंगे बता देता हूँ। ये कट रिंग जो है टॉप रिंग का, इस साइड में रख दूंगा, और जो सेंटर रिंग है, छोटू पास में दिखाइए, इस साइड में मैं टॉप रिंग रखा हूँ, और जैसे ही मैं सेंटर वाला रिंग रखूँगा उसको पूरा ऐसे ऐसे गोल करके इस साइड लेके आ जाऊंगा। देखिए ये स्लिप के पास, यहाँ पे है हमारा सेंटर रिंग, यहाँ पे है हमारा, घूम जा रहा है ये, यहाँ पे हमारा टॉप रिंग, यहाँ पे हमारा सेंटर रिंग। तो हम सेंटर रिंग का भी जो है वो क्लियर कर दिया हूँ फॉल्ट, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं, कहीं पे कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे है ऑयल रिंग, अब ऑयल रिंग इस साइड में रखे, इस साइड में रखे, कहाँ रखे, तो हम ये भी क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया स्प्रे जेट, यहाँ पे स्प्रे जेट आ गया, यहाँ पे ना रख के इधर स्प्रे जेट रहता तो हमें इस साइड में भी ऑयल रिंग को नहीं रखना है। जिस साइड ये स्प्रे जेट है उस साइड ऑयल रिंग को कभी नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे पता है, हमारा सेंटर रिंग इस साइड हो गया, टॉप रिंग इस साइड, अब पूरा ये ऑयल रिंग जो है, ऑयल रिंग को हम इस साइड में घुमा देंगे पूरा इसके अपोजिट, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब देखिए पूरा अच्छे से आपको दिख जाएगा, टॉप रिंग इस साइड, इतना टॉप रिंग इस साइड, सेंटर वाला रिंग्स इस साइड, ऑयल रिंग इस साइड। तो भाई इसी मेथड से हमारे पास जितना गाड़ियाँ आती है डीजल गाड़ियाँ, वो इसी मेथड से चलता है, इस ऐसा ही रिंग सेटिंग करता हूँ तभी गाड़ी चलता है बम बमा के, 2.5 लाख 3 लाख किलोमीटर चलता है, कुछ भी टेंशन नहीं। हमारे भाई साहब का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारे जो बड़े भैया है उनका 20 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शोरूम में पहले काम करके थे। तो जितना भी डीजल इंजन का रिंग्स डालते हैं और भी कोई कोई गाड़ी का डालते हैं, वो ऐसे ही बिल्कुल इसी मेथड से चलते हैं, पूरा गाड़ी बढ़िया से चलता है। तो आपको भी कोई भी दुनिया का डीजल गाड़ी रहने दीजिए, इसी तरह आपको रिंग्स को सेट करना है। कुछ भी दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी हेल्प दे सकता हूं मैं, थोड़ा दूर जाइए। तो हम सिर्फ और सिर्फ बताया हूं, दुनिया का कोई भी डीजल गाड़ी रहने दीजिए, एक पिस्टन, 10 पिस्टन, 2 पिस्टन, जितना भी पिस्टन रहने दीजिए, स्पेशल सिर्फ वीडियो आया है डीजल गाड़ियों के लिए, पिस्टन का कट मार्क रखे कहाँ। तो ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जाइए,
सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि भाई ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक जाएगी, तभी तो आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा, तभी तो आपका जो सपनों का गाड़ी है उसको भारी मेंटेनेंस से बचाइएगा। सही बोला हूँ ना? सही बोला हूँ तो एक लाइक दबाइए, दबा दिए, थोड़ा लाइक भी मारते जाइए, सब्सक्राइब व्यू की सब बढ़ाइए, ताकि जो यूट्यूब का इंप्रेशन है वो थोड़ा बढ़ता है, तो अनुज भाई को थोड़ा मन अच्छा होता है और वीडियो अच्छा अच्छा लाते रहूँगा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद जय भारत।